शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप प्रॉपर्टी हम बेचना चाह रहे हैं और जो अम्मा है वो उसमें डेरा डाले बैठी हुई। देखो देखो बहन जी आई। मैं ना भागूंगा नहीं। साले कुत्ते, तू पहले नहीं भाग सकता था ये सब। कैसी हो अम्मा? के लल्ला या संसार में भांति भांति के लोग कि दादा खोद के हार गए सो अब पोता रहे हैं खोद। सुनो जोगी सुनो भोगी, ओए कान खुजा के सब सुन लो जी। गुरु जहां घंटाल बजावे, भक्त खड़े खड़ताल बजावे, इनकी लीला राम ही जाने। सब रंपट करते फिरते रंगबाजी सारे के सारे खुरपेची, गली गली भोकाली, लफबाजी में नंबर वन, सब चाहे जे वो खाली, मुंह में इनके शोभा पाते पान पीक और गाली। बात बात में ज्ञान पढ़ावे, बिना बात कंटाप बजावे, इनकी महिमा कोई ना जाने। भयंकर बसड़िए नगरिया, ये अद्भुत अनोखी नगरिया, भयंकर बसड़िए नगरिया, ये अद्भुत अनोखी नगरिया। बैठाओ इन लोगों को नीचे, तुझे समझ नहीं आ रहा, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? बैठ नीचे। हाँ, किसके किसके नाम हो गए? सर कन्नी भैया, सुषमा, महेश। तूट, तेरा नाम क्या है? महेश। बैठ लीजिए। और माताजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कांति देवी साहब और ये है सुषमा। अरे इन्हें के पीछे हम धरे गए और यूं है बबली। काहे बिटिया, तुम हो धरी गई होगा? तुम्हारी अम्मा भी भीतर है का? बकर बकर नहीं, जितना पूछा है उतना बोलो। हम बेकसूर है साहब, और हमका का मालूम ई है? आप काहे मुंह छुपाए बैठी हो? आप बोली हो कि ना बोली हो? चुप, एक शब्द मुंह से ना निकले। ना बोलो साहब, ना बोलो। तू हमका और हमार बिटिया को छुड़ाई दे, बस। चुप रहिए, वरना तुम सबको भी उनके साथ अंदर कर दूंगा। अरे कितना बेइज्जती करवाओगे? ये वाला, इसकी कॉपी बना। आ गया, चलो चलो। सर, क्या आपके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव है? सर आप कुछ बताएंगे, अगला स्टेप क्या होगा आपका? सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी हर बात का जवाब देंगे, पहले अंदर अच्छे से तो निपट लें, हम आते हैं। सर, कल भी सर, कुछ तो बताइए। एक मिनट, एक सवाल। नमस्ते दरोगा साहब। आइए आइए, बैठिए, आइए आइए। अरे सब लोग बड़े तैयार बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं क्या? अरे बाप रे बाप, बुढ़िया भी है, कल तो बड़े नोट गिन रही थी, ऐसे ऐसे हैं। ओहो, अरे मुखड़ा तो दिखाइए, अरे लियो ना लियो, देख तो लियो। हैं, क्या कह रही थी? ऐसी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानी भी ना पहने हैं। कमीन पने की हद तो देखिए सर, का है खुद ही साड़ी को चीरा लगा गाती फिर रही हैं। चीरी हुई साड़ी दे दी।
ये लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पप्पू भैया ने इनको धोखा दिया है। ये लोग 10-10 जूता चलाइए इन पे। अरे साहब, लोगों ने फंसाया हमको। मारेंगे कट्टा, टिप्पा खा गिरोगे बे। जीजा के बारे में बिना सोचे कुछ बोल मत देना। बैठ, तू नीचे बैठ। अरे जनाब, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो जीजा से बचा हो। ऐसे ऐसे धार्मिक पुरुष हैं, ऐसे धार्मिक पुरुष हैं कि अगरबत्ती लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे जनाब। ओ वाले बाल उधर कर ले, कर लियो सिर का लाल सोए बुद्ध कुशला सर्वाधि सर्वदा सर्वा सर्वदि वाशु शंकरा पादमं पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु। एक बार तो मेरी मम्मी खो गई मथुरा में, और जाके मिली कहां? आगरा में। इस धोखे में कोई धार्मिक स्थल समझ के पहली बार मौका मिला ताजमहल देखने का, वो भी पूरे परिवार के साथ। एक कहावत है जनाब, हर आदमी की तरक्की के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है, और हमारे जीजा के पीछे हमारी भोली भाली बहन का हाथ है। अरे भाई जल्दी जल्दी करो, कितनी देर हो गई है। पापा जी, बिटिया आगे बैठेंगे। क्या बात कर रहे हो पापा जी, देखो आगे हम बैठेंगे, आप पीछे बैठिए। आपको मालूम है ना हमारे पैर में कितना प्रॉब्लम है। अरे आओ ना जल्दी, सब लोग देर हो गई है, चलो जल्दी बैठो। ए मम्मी, तुम इधर बैठना समझी, कान में हवा लगेगी नहीं तो। सारा सामान ले लिया मंजू? हाँ हाँ रख लिया रख लिया। तुम पीछे बैठो। बैठ रहे हैं और कहाँ बैठ रहे? तो हम कहाँ बैठे? अरे हम बैठने वाले हैं वहाँ। अरे आप पैदल आई ना मंदिर तक? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सुनो जी, हमने मन्नत मांगी थी, इस बार बंटी पास हो जाएगा तो आप मंदिर तक पैदल चलकर आएंगे। 6.5 किलोमीटर दूर है मंदिर। अरे बाबा, मेरे भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? हाँ, आप बंटी के भविष्य के साथ का ही खिलवाड़ कर रहे हैं? चलिए पहुँची मंदिर तक पैदल। क्या जीजा, काहे अल्लाह कर रहे हो? अरे मंदिर आ जाओ, वहीं मिलते हैं। हमरे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? 6.5 किलोमीटर के बाद हमारा का भविष्य होगा? उसी तरफ है जी, बस तरफ है। ये लौंडे मुंह का ही ढकी है। अरे फैशन है फैशन, अरे सारी लड़कियां ऐसी चुड़ैल बन घूम रही, ओल्ड भी तो ऐसे ही घूमती है। हे भगवान, ये कैसा फैशन है। चलो चलो, मुझे जल्दी छोड़ो। दोस्त हो, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। सत्यनारायण की कथा सुनने के पश्चात कलावती और लीलावती का व्रत धन धान से पूर्ण हो आ गया। पप्पू हमेशा दिल से आओ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अरे अगरबत्ती है थोड़ा पीछे। पानी ला। अब रुक जाओ, पूजा खत्म ही होने वाली, बस बाद में मांगना पानी। एक तो ना तुम्हारी देर से आने की आदत बड़ी खराब है। अरे छोड़ो छोड़ो, इनके अपराध के लिए क्षमा करना। ये पूरे बिठूर मंदिर के 10 चक्कर लगाएंगे। अब कौन सी मनोकामना? अरे यही कि किसी तरीके से अम्मा वाली प्रॉपर्टी जल्दी से बिक जाए बस। लीजिए पापा जी। लोग ऐश्वर्या के, शाहरुख के, माधुरी के और सलमान के फैन होते हैं, मगर हमारे जीजा जी और दीदी सिर्फ और सिर्फ पंडितों के फैन हैं। गुरु जी की असीम अनुकंपा से जो आप लोगों को भभूत प्राप्त हुई है, उससे सारी पीड़ाओं की समाप्ति होने वाली है। अरे आओ पप्पू आओ, यार फिर लेट हो गए। महाराज जी की जय हो। आओ मंजू, यहाँ बैठो। जय हो महाराज। तकलीफ कैसी है अब? महाराज जी तकलीफ तो वैसे ही है बस। जय हो महाराज जी। जीते रहो। पंडित जी क्या बताए, वही रोज की तरह जो है भीषण जाम लगा पड़ा है भूसा टोली में। मतलब कहाँ बताए, मतलब जब तक जूता परेट ना करो ना, कोटा समझ नहीं होता। सब ससुरे ऐसे ही हैं। खैर अब सुनो काम की बात। मामला ऐसा है कि तुमको बहुत बड़े धन की प्राप्ति का योग है, गड़ा धन मिलने वाला है तुमको। यही खुशखबरी देने के लिए गुरु जी ने स्वयं यहाँ बुलाया है तुमको। गड़ा धन? गड़ा धन? अम्मा कहाँ हो अम्मा?
और यहाँ सभी ज्ञानी हैं। अरे आज फिर हम माँ को घूरने लगे। अरे कहाँ घूरते रहते हो। चलो महाराज जी, क्या जाना है, जल्दी जाओ नहा के आओ। चलो अम्मा सपने में आके बहुत डरा रही हैं। हे भगवान, सारी उम्र हमको परेशान करती रही, अब पता नहीं क्या चाहिए इनको। चलो मंजो। अरे कहाँ है, देर कर रही, हमको समझ नहीं आ रहा। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, शोर मचा के रखा है। मंजू बैग ले लिया, कुंडली का? हाँ, रख लिया भाई, रख लिया। हाँ चलो ठीक है, ये देखो डॉक्टर पटेल का पोस्टर। अच्छा हाँ, ये भी तो है। हाँ माँ तक चौकी रखी है, रानी माँ बुलाया इस बार। अच्छा चलेंगे, कौन जाने अपने से। हमने महाराज जी से कह दिया है राकेश की शादी निपटवाई हो इस बार। हद हो गई, देखो आंखें पीछे चल रही। मंजू नमस्ते। नमस्ते। है ना। आओ पप्पू, आओ 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 बेटा। जय भारत। तुम फिर देर कर दिए हैं। जय भारत। और मंजू तकलीफ कैसी है? ठीक है महाराज जी। जय हो महाराज। जीते रहो, जीती रहो। अरे आराम से बैठो। बताओ। अरे महाराज जी क्या बताए, वो जब से आपने जो है गड़े धन के बारे में बताया है महाराज जी, रातों की नींद जो है ना वो हराम हो गई है। ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है पंडित जी, आप प्रॉपर्टी हम बेचना चाह रहे हैं और जो अम्मा है वो उसमें डेरा डाले बैठी हुई है सपने में। महाराज जी, ये अम्मा जी भी कहा करती थी कि इनके हाथ में गड़ा धन है, पर ये मानते ही नहीं है। अरे बात मानने ना मानने की नहीं है मंजू, देखो। अरे काहे नहीं मानते हो पप्पू, देखो इसका मतलब दोनों मम्मी खुदाई दस्तक दे रही हैं। दोनों मम्मी? हाँ, एक तो लक्ष्मी मम्मी, दूसरी तुम्हारी मम्मी। अम्मा पहले कहा करती थी लेकिन अब खुद डायरेक्ट इशारा कर रही हैं कि देखो पप्पू यहीं कहीं यहीं पे गड़ा हुआ है धन। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मतलब, हाँ, मतलब ना बेचे हैं? आओ का बिल्कुल ना बेचो, हम कह रहे हैं। महाराज जी जय जय जीते रहो। जीते रहो पप्पू। वो पहले तुम वो बिटिया के ब्याह का जिक्र कर रहे थे, उसका क्या हुआ? अब आप ही बताइए। मतलब कैसी पार्टी ढूंढ रहे हो हमको बताओ, सर्विस वाली, बिजनेस वाली या फिर पॉलिटिशियन? पंडित जी क्या है देखिए, इस बारे में हम कुछ सोचे थोड़ी ना है, अब जैसे आप लोग बताओगे वही करेंगे। हम क्या कहें, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देखो बोर्ड लगा है पढ़ लो। ये शादी की रेट लिस्ट है आपका? वो हमको अभी तक क्या लग रहा था कि ये जो है सुनामी में जो पीड़ितों को दान दिया जाता है उसकी लिस्ट है। पंडित जी ये हमारी हैसियत से बहुत दूर है महाराज जी, मतलब हम दूर दूर तक सोचे नहीं सकते हम। मतलब अरे अरे सुनो भाई पप्पू सुनो, तो एक खास पार्टी है करोड़ों की, मंदना में 3 बीघा जमीन गई है और मुआवजा मिला 3 गुना ज्यादा, समझे? महाराज जी की असीम अनुकंपा से आगामी चुनाव में पार्टी होने वाली है राज्य मंत्री। फायदा किसका? तुम्हारा। अगर वो राज्य मंत्री बन गए तो लड़के की शादी में तुम ही मांग पाओगे करोड़ों, है कि नहीं? लेकिन पंडित जी ये मंदना के ये कौन शख्स हैं? एमएलए कन्नी बाबू। अच्छा कन्नी भैया। ए जी तुम पहचानते हो क्या, कौन है? अरे रुको तो, कहे मिले हो का पहले? ना, मिले नहीं है, ऐसे हम नहीं जानते। हाँ लेकिन होल्डिंग में देखे हैं उनको, अब पूरा शहर जो उनके होल्डिंगों से जो है नहाया पड़ा है, सब ही जानते हैं। कन्नी भैया तुम कहो तो कल ही भिजवा दें। जय हमारा जी, जय हमारा जी, जय हमारा जी, कृपा होगी तभी सब होगा।
गड़े धन के बारे में कुछ बता देते तो अच्छा था। खुश रहो, खुश रहो। ले महाराज जी बोल दिए, समझो। खुश रहो, देखो पप्पू भैया गड़े धन की पूजा अभी करा ले, पूजा होते चमत्कार की गारंटी पक्की। अच्छा, जय हो महाराज जी। महाराज जी जय हो। महाराज जी की जय हो। जय हो। जय हो पंडित जी। जय हो पंडित जी। आते रहिए। हाँ मुझे आज हमें उठाओ तो सही पहले। हाँ उठाओ। हाँ चलो आज। हरिओम। जिला अधिकारी राधेश्याम त्रिपाठी ने नवरात्रि में सभी मंदिरों और रामलीला मैदानों का जायजा लिया। मोहर्रम की भी पूरी व्यवस्था के लिए सभी थाना प्रभारियों से जानकारी ली। काहूकोटी में एक युवती को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जिंदा जला दिया। माँ बाप का कहना है कि बेटी के साथ बहुत दिनों से मोटरसाइकिल के लिए मारपीट की जा रही थी। और इसी के साथ समाचार समाप्त, आप देखते रहिए तीसरी आंख। नमस्कार। ये क्या लिखा है जिला? अच्छा हो गया, अंकल को जाने दो, जाने दो। सागर बेटा बैठो, अच्छे से काटना है। हाँ बढ़िया से कलम वलम बनाना, अच्छी है। भाई साहब क्या कहा आपने, मतलब क्या नाम बताया बेटे का? मतलब नाम सागर। सागर। वाह वाह भाई साहब, अद्भुत, आपने तो सारे मुहावरे बेकार कर दिया भाई साहब। कैसे? सुना था हाँ कि बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ। और यहाँ सिर्फ एक बूंद से सागर बना दिया। चल बना बे। अरे सुनो, कौन है वो खड़े तो हैं सामने? हम साल की सारी शुभकामनाएं एक साथ ही दे दी कन्नी भैया एमएलए। हाँ पुन्नु, जीजा जीजा, अरे यहाँ हो, यहाँ क्या देख रहे हो जीजा? हैं? अपनी सल्तनत देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सेम लड्डू। पिताजी देखो ना कितना छोड़ गए थे, वहाँ से लेके वहाँ तक देख रहे हो एकदम। हाँ। कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ ना जीजा, पिछले जन्म में आप राजा महाराजा रहे होंगे, ये मोहल्ला नहीं बसता अगर आप ये सब कुछ नहीं बेचते तो। हाँ लगता तो हमको भी कभी कभार ऐसा ही है लड्डू, लेकिन मालूम है हालात कुछ गड़बड़ ना हुए होते और समय कुछ ऐसा ना आया होता तो हम बता रहे हैं, अगर एक भी जमीन ना बेची होती तो आज वहाँ जो देख रहे हो ना, वहाँ से लेके वहाँ तक तो पूरा का पूरा जो है ना तिवारी स्टेट बना देते। तिवारी स्टेट की बात कर रहे हो आप? हाँ। पता है इस मोहल्ले की जमीन के बारे में क्या कहा जाता है? क्या? बेचने जाओगे तो बिकेगी नहीं, खरीदने जाओगे तो मिलेगी नहीं, रेट नहीं है इसका। बात कर रहे हैं। बात सही कह रहे हो। वो देखो क्या हो गया। अबे मुतने की जगह है, चल भाग। छोड़ो छोड़ो, जूता खो रहे हैं साले। अरे हाँ लड्डू, क्या कह रहे थे तुम? नहीं नहीं, मैं तो क्या कह रहा था कि आपकी अम्मा की आखिरी निशानी बची है ये सब। अरे यार फिर भूल गया, देखो बताना था आपको, पुन्नू का फोन आया था, कह रहा था पार्टी मिल गई है, सौदा करवाना है, 30 लाख दिलवा देगा इस प्रॉपर्टी के। अभी रहने दो, अभी नहीं बेचेंगे। हैं? क्या है? देखो लड्डू यार, अम्मा की आखिरी निशानी है, थोड़ी दिन और रुक जाते हैं, हम क्या कह रहे हैं हो सकता है अच्छा रेट दे के जाए बाद में। क्या जीजा कैसी बातें कर रहे हो यार, 4 महीने डंडा किए पड़े थे, जो भी रेट मिल जाए बेच दो बेच दो बेच दो, अब अचानक क्या हो गया? कोई बात है यार। अच्छा इधर देखो, क्या कहीं वो बात तो नहीं है? कौन सी बात बे? क्या जीजा, हमको सब मालूम है, मंजू दीदी सब बता। अबे चुप रहो यार, चुप रहो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, बता रहे हैं तुमको। हाँ। और तुम्हारी बहना जो है ना वो भी एकदम अजीब है, एक बार ये प्रॉपर्टी का काम हो जाए तो अम्मा और पिताजी की आत्मा का उद्धार हो जाए, समझ रहे हो? ए जीजा अपने साले को ना भूल जाना यार। अबे तुम एकदम अजीब बात करते हो यार, अपनी बहन की तरह। कैसे? तुम्हारी बहन कहाँ करी थी मालूम है? हमसे कह रही है कि सुनिए जी, हमको ना वो जो गला धन निकलने वाला है ना सरफिया, उसका हार बनवा दीजिए। तो हमने कहा गर्दन लटक जाएगी मंजू। और वैसे भी हम जैसे जमींदारों काम करने क्या जरूरत है जीजा। सही कह रहे हो, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम।
दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अबे लड्डू धूप बहुत बढ़िया निकली है, एक काम करो बढ़िया से बनाओ खिचड़ी पापड़ और मूली बनवाओ सलाद और धूप के सामने बैठ के खाया जाए और घंटा दो घंटा सेकी जाए धूप। अरे आपने मूड बनवा दिया, दीदी से बोलते हैं अभी बोल के आते हैं। बोलो भाई मैंने सोच लिया है, मैं आज बोल कर रहूंगा उसे। सुन बेटा मोटरसाइकिल में ब्रेक हमने भी बहुत लगाए हैं, सबसे पहले बोलूंगा मैं, अगर मेरे को ना कर देती है तो तू बेटा उसकी तरफ भटकना भी मत, और अगर मेरे को हाँ कर देती है तो तू मुझे बना लेना जीजा। ये क्या बकवास है? अरे अरे आज हाँ बिल्कुल आपका तो है। अरे ये बाटी लिए कहाँ घूम रहे हो भाई? अरे इसे रख दो वहाँ, अच्छे से कपड़े पहनो जाओ बढ़िया। और सुनो हाँ उड़ी कहाँ है? पता नहीं कहाँ, जाओ ढूंढो बुला के लाओ। अरे सुनो भाई मंजू सविता लड्डू, अरे भाई जल्दी आओ भाई, लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार हो जाओ और तैयारी करो, सब गंदा पड़ा है घर। अरे भाई तुम तो मॉडलिंग में छाए हो पूरे शहर में। हाँ? हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब मॉडलिंग की दुनिया के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करूंगा। अच्छा पहले यहाँ से तो निकलो। अच्छा सुनना गोल्डी यार, मुझे भी कहीं न्यूज रीडिंग में लगवा देना, पता है भाग भाग कर इतनी परेशान हो गई हूँ, कोई अच्छी न्यूज मिलती ही नहीं है। यार देख मैंने तो तेरे लिए बात की थी ना मनीष सर से, बट वो कहते हैं कि उन्हें मेरे अलावा किसी और के साथ काम करना ही नहीं है। देख एक महीने में मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी तो उसके बाद आई गेस तेरा भी हो जाएगा। ओह शिट इतनी सारी मिस्ड कॉल्स, किसकी? मम्मी। हाँ कनी भैया आ गए, आप कहाँ पहुँचे? कहाँ नहीं वो गली में आ गए, वो जो छोटी चौकी उसके सामने क्रॉस कर गए। हाँ तो बस आप समझ लीजिए आ गए, बस थोड़ा सा बस कुछ कदम अंदर है। आप एक काम करिए आप कहाँ हैं इस समय? किराना शॉप के सामने होंगे? नहीं वहाँ नहीं, थोड़ा और आगे तो दूध वाले के सामने होंगे ना। बस आप एक काम करिए आप सीधे चलते चले आइए एकदम सीधे, और पीपल का पेड़ बाएं हाथ पे मिलेगा, बस वहीं से आप मोड़िए। अरे गाड़ी आ जाएगी। अरे खर्च छोड़िए, हम क्या कह रहे हैं कि कोई मिल जाए किसी से, आप जो इतना पूछ लीजिए कि पप्पू तिवारी घर जाना है किसी से, आपको घर तक छोड़ के आएगा आप देख लीजिएगा। अरे एकदम छोड़ के आएगा, हाँ इतनी जगह है गाड़ी में बैठा लीजिएगा। हाँ हम बाहर इंतजार कर रहे हैं आपका, आप आइए। हाँ एकदम बस अरे सब तैयारी है, आइए आइए। हाँ ठीक हाँ। अरे तुम लोग ऐसे ही खड़े रहोगे, तैयार नहीं होना है क्या? हाँ। ए भाई साहब पप्पू तिवारी का घर कौन सा है, कहाँ बताया आपने? यहीं पे बताया था अंकल। यहाँ दो गलियाँ हैं, 1932 में गुजरात से चले पिताजी यहाँ, तब उन्होंने दुकान ली धनकुट्टी में, यहाँ दुकान सामने मकान। तब से लेकर अब तक पप्पू तिवारी नहीं पप्पू मिश्रा को जानता हूँ, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर रहते हैं, आप कहो तो उनका मकान बता दूँ। अगला कहीं का चल। यार नाना जी बहुत दिनों से बीमार है, जिस मम्मी का फोन नहीं लग रहा। अरे नहीं कुछ नहीं होगा, किसी और को लगाओ। बंटी बंटी आई जस्ट होप घर में सब कुछ ठीक ठाक हो। अरे सब अच्छा होगा बंटी, फोन उठा। हाँ बंटी क्या हुआ? फोन की नोट आ रही थी। अरे तू बोल हुआ क्या? जल्दी आ मैं स्टैंड के पास वेट कर रहा हूँ। तू बता तो हुआ क्या घर में? बस तू जल्दी आ जा। आ रही हूँ। अरे अरे क्या हुआ? अरे वाह भाई वाह, आई तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, चकाचक एकदम अपना घर। कहा जीजा ये देखो कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा हूँ। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मंजू कौन है ये? सविता लड्डू रस्सिया हटा दो। हाँ देखो कौन आ गया। देखो देखो हाँ कनी भैया आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। कब से बेवकूफ बने घूम रहे हैं, किनारे लो इनसे पूछते हैं। ए भाई जी इधर आओ इधर आओ जी। पप्पू तिवारी का घर कौन सा है? अरे वो खड़े तो हैं। ए है वो खड़े हैं ये, अरे सुनो पूरा भोकाल तानिएगा। हाँ बाहर बैठो, ज्यादा ज्ञान ना दो। बस 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 नमस्ते जी। अरे तुम लोग समझोगे कि नहीं समझोगे कि बैल के बैल ही रहोगे? बंदूक का बट मारा तो देखना चाहिए था जिंदा है या नहीं। अरे दादा कुछ नहीं है। क्या हुआ? हुआ क्या? क्या बताए दादा को कष्ट होते कैसे देख ले। दादा कौन? अरे अरे
क्या बात, क्या बात बाबा। वो हट नहीं रहा था तो इन्होंने बट मार दिया। अरे अरे बट मारा तो देखना चाहिए ना कि ससुराल जिंदा है या नहीं। कौन आ गया? क्या बात है गनी भैया, आई आई नमस्ते। अरे आप यहाँ भी? आई 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 सागर कहाँ है? अद्भुत, कमाल है, कमाल के व्यक्तित्व है ये। इतना कमाल है कि मैं क्या बताऊं। अच्छा आपका बेटा कहाँ है सागर? अरे वो जी वो स्कूल गया है। स्कूल गया है? तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? अरे बहुत पुराना याराना है। जीवन की बस एक बूंद। मतलब? वाह कमाल कर दिया आप। अरे ये आपकी वाइफ है? हाँ ये हमारी पत्नी है। जी बहुत अच्छा, प्यारा है सागर। क्या हुआ बंटी? अरे बैठो बस। हाँ बैठो पर बता हुआ क्या? अरे बैठो। अरे गोल्डी बता तो हुआ क्या है? हम क्या करें, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अरे वाह रखो रखो सविता, अब ये समोसे की हिस्ट्री थोड़ा हम आपको बता दें। ये हमारे का हलवाई है, बिरचू हलवाई। हम सही बता रहे हैं, एक बार खा लोगे तो बार बार महकोगे, काहे कि वो जो है ना वर्ल्ड क्लास फेमस है इंडिया का। जाओ जल्दी। हाँ भाई तो हम क्या करें भाई, ऐसे जो है हमारे के लोग ऐसे ही होते। अरे गोल्डी आ गई। ये हैं हमारे सुपुत्र बंटी हैं। तैयार करा के ला जी। बिल्कुल बिल्कुल आपके शकल पे गया कसम से। भाई अब अम्मा है उसकी तो शकल तो मिलेगी। कौन है वो लोग और वो जोकर कौन है जो मुझे घूरे जा रहा है? अरे लड़के वाले हैं, देखने आए तुमको। ये क्या नहीं है इसकी मैं बना लिया आप लोगों ने, कोई शादी वादी नहीं करने वाली मैं। तो फिर नहीं नहीं वो गोल्डी जो है वो क्या है देखिए हम बताएं। अब उसको पता तो था नहीं, ये सब अचानक एकदम से हो गया। सुनिए जी थोड़ा वो अभी अभी आ रहा। हाँ जाइए बेटा आप खाओ, अपने पापा की बात ना मानो, बहुत टेस्टी है खा लो। हाँ हाँ बोलो ना। गोल्डी मान नहीं रही आपको, आप समझाइए चल के जरा। क्या हो गया बिटिया? पापा वो पापा मुझे शादी नहीं करनी। नहीं करनी है ना करो, लेकिन बेटा क्या है कि बहुत बड़े आदमी हैं, कन्नी भैया हैं और तुमको देखने आए रिश्ते के लिए, ऐसे बहुत लोग आएंगे और तुमसे बगैर पूछे हाँ थोड़ी ना करेंगे। बेटा आज इतना करना है तुमको, बस देखने आए तो सामने जाना है चाहे लेकर, और तुमसे जो सवाल जवाब हो उसका जवाब दे देना है। आज के लिए इतना काम है, देखो हमारी बेइज्जती ना कराना। ये दोनों में कौन है? आई चुप कर चुप। ये है महेश। नमस्ते। और ये है राकेश, इन्हीं के लिए आए हैं। ये राकेश है, राकेश गोल्डी की बात चल रही है इनके लिए। अच्छा अच्छा। अरे खाना पीना होता रहेगा, बिटिया को लाइए। पापा उनसे कह दीजिए ना कि गोल्डी को शादी नहीं करनी। आपकी क्वालिफिकेशन? आपसे पूछ। अरे बोलो ना बे। इंजीनियरिंग फ्रॉम डीयू। अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी? नो दीनदयाल उपाध्याय बहराइच। हमारी रानी बिटिया हो ना तो चलो। सुनो मुंह हाथ धो के तैयार हो, हम कपड़ा लेके आते हैं। ठीक है। हाँ आ जाओ बिटिया, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आओ बेटा, यहाँ चाय रखो। अरे यहाँ रखो। अरे तुम तो उधर सर को। आओ बेटा तुम मेरे पास बैठो। ये हुई ना बात, ये लीजिए। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी गोल्डी। अरे वाह बड़ा प्यारा नाम है। और कर क्या रही हो? डिप्लोमा कर रही हूँ जर्नलिज्म में। अच्छा। पता है बहन जी टीवी में भी आती है। अरे वाह न्यूज पढ़ती है तीसरा आंख चैनल में। ओ, अच्छा, 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 अच्छा। अरे कन्हैया भैया वो अपने जानने वाले हैं, उन्हीं का चैनल है बुल्लर वाजपेयी, उन्हीं का है। अरे आज सुबह की न्यूज तो इसी ने पढ़ी। अरे वाह जानते हैं आपकी समधन बहुत बड़ी जिद्दी है। हम बता रहे थे कि महाराज जी कह रहे हैं कि लड़की पढ़ रही है। हाँ। तो क्या बोलती है मालूम है? क्या कहती है?
बाहू के सर पे बोझ नहीं चाहिए, घर डिग्री लाके दो। तो हम कहे हम कोई शिक्षा मंत्री है क्या जो डिग्री लाके दे? तो क्या कहते हैं मालूम है? शिक्षा मंत्री से कम भी तो नहीं हो। पापा भी ना एकदम। और नहीं तो क्या भाई साहब, मैंने तो इनसे कह दिया, अरे सारी दुनिया का काम करवाते हो, ये काम तो बहू का है, करना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानती। बस मानी नहीं, बड़का भैया को फोन कर दिया। अब काहे को डांट देते हैं, काहे छोटी छोटी बात पे फोन करते हो? बड़का भैया मुख्यमंत्री लखनऊ। हाँ बेटा, कौन सा डिग्री चाहिए? सब डिग्री घर आएगा, आईटी का, डॉक्टरी का। अच्छा ठीक है, सोच के बता देना। अरे आप इन दोनों को लेकर जाइए, अरे समाज बदल गया है, मिल बैठ के थोड़ा बात कर ले, समझे? वो तो है, वो तो है। बाकी तो हम ही लोगों को फैसला करना है। हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोल्डी के कमरे में ही ले जाना। जी जी। गोल्डी के। हाँ, जाओ 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 जाओ। तो आगे का बात कर लिया जाए। आगे? अरे मेरा कहने का मतलब है भाई साहब, आपने कुछ सोचा होगा ना कि शादी में कितना खर्च करेंगे? अभी अमंजू तुम भी आओ, वहाँ कहाँ बैठी हो? हाँ। भाई अब ऐसी बातें तो तुम्हें और हमें मिल के करनी है। हाँ। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि आप ही लोग बताइए। आप कुछ करते हैं? हमारा जमीनों का बिजनेस है। मतलब रियल एस्टेट? हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ। गवर्नमेंट हमसे जमीन खरीदती है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का कारोबार है अपना। वो जो मंदना में इंडस्ट्रियल लैंड पास हुआ है, हमारा लैंड। वो जो बाईपास पे फ्लाईओवर बन रहा है, मतलब नीचे जाम लगेगा तो लोग ऊपर से जाएंगे। फ्लाईओवर पता है मुझे। वैसे इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? करना तो कुछ है, एक छोटा सा फंक्शन करेंगे बस। कुछ 3000 लोग आएंगे, 200 लोगों की मिलनी होगी, और बाकी जो बच्चों को देना है दीजिए, बच्चे भी तो अब आप ही के हैं। वो तो है। क्यों महेश? आजकल कौन सी गाड़ी, बोल दे अभी। अरे नहीं नहीं, हमको तो पता ही नहीं रहता है। पिताजी के समय में वही एक अरमाडा से चलते थे, फिर एक एम्बेसडर आई पिताजी के समय में, बाकी तो अब हमको कुछ याद नहीं रहता है। पिताजी वैसे सफारी या फैशन में? क्या सफारी? सफारी? हाँ। और नहीं तो क्या। अरे जब राकेश बिटिया को लेने आए तो सारा मोहल्ला कहे कि आया है कोई राजकुमार। अरे क्या बात है। है ना पप्पू भैया, इन्वेस्टमेंट की सोचो। लड़की का ब्याह जैसे बड़े घर में करोगे, वैसे ही बड़े घर से घर में बहू आएगी। पक्की पक्की शादी? अरे क्या बात, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे हम राकेश को बुला के लाते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। का है राकेश, अब लड़की ही लेके चलोगे का? हाँ चलो। आई सुनती हो जी, गाड़ी में बैठो। हाँ हाँ ले आ ले आ। गाड़ी में ले आ। नमस्ते। आओ राकेश आओ। ले आ। अरे कहाँ मुक्ति जी, कहाँ लगवा रहे हो? अरे दादा यहाँ पर, यहीं पर लगवा रहे हैं, बाकी जगह तार वगैरह आ रहे हैं ना, यहाँ अच्छा है। अच्छा तुम लोग को इतना काट रही हूँ तो मुझे कहीं दूर भेज दो, मगर अभी मेरी शादी कैसे करवा सकते हो? मतलब? और मैं दुनिया को बाहर जाके नसीहतें देती हूँ कि दहेज मत लो, दहेज मत दो, और हम ही लोग ये काम कर रहे हैं। कुछ पता है, लड़के का बाप एमएलए है, एमएलए। ऐसे रिश्ते बार बार थोड़े ही आते हैं, ये तो भगवान ने हम लोगों की सुन ली। हाँ दीदी सही कह रही है। हा? अच्छा एमएलए है, देख के लगता तो नहीं है। अच्छा तो मतलब कैसा कैसा दिखना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? माने माथे पे अपने स्टिकर चिपका ले है? कि मैं एमएलए का बेटा हूँ। ये सुनो गोल्डी, तुम हमारा दिमाग ना खराब करो, जाओ अपने पापा से जाके बात करो। अरे बाहर चल के देखो क्या विशाल चीज लगी हुई है, एकदम विशाल। सच में हमारी बिटिया है बहुत भाग्यशाली, बहुत है। महाराज जी की कृपा से इतना बढ़िया संबंध हुआ है, जबरदस्त हुआ है। अरे चलो चलो खड़े काहे बाहर, चलो चलो चलो, चलो, चलो। मम्मी जी तुम पहुंचो। सुनो तुम भी देखो। सारे की
की सारी बजरिया बजरिया है माया की मटकी। ओ नकदी के चक्कर में सबकी अजब की कहानी है अटकी। उचक उचक के लपक रहे सब फिर भी हाथ है खाली, खाली। सांची बात कहे भाई साधु दे ताली पे ताली। सारे यहाँ जुगाड़ लगावे नेता झंडे काड़ लगावे। अरे ऐसा कीजिएगा चार बोर्ड और मंगवा लीजिएगा। अरे लेबर खाली बैठा रहेगा। ये नायाब सेट है सीतारामी महारानी सेट। इस बार साड़ियों के साथ हम एक सोने का सेट भी लेंगे ये बताए देते हैं। अरे हाँ। बता तो तुम 30 साल से रही हो अरे कुछ उनके यहाँ से भी तो आएगा। मेरे कहने पर 20x20 का बड़ा सा स्क्रीन लगवा लीजिए। अरे मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा। नातिन की शादी में का दे हो आशीर्वाद के अलावा है का हमारे पास। अरे होता तो का बाल उखाड़ लेते। वो हजार बार कहा है कि मुंडा खोला करो। ओ गोला है गोला ये धरती दिखे फिर भी चपटी। ओ नजरों का धोखा है दुनिया के भैया मोती सबकी भटकी। जैसे रूम मंडप एरिया पार्किंग एरिया गीजर कंबल बेड सब हमारी तरफ से। वो बड़ा वाला डब्बा मंगवाइएगा आपको सस्ता पड़ेगा। अरे मंगवा दीजिए फटाफट 25% एडवांस बाकी शादी से पहले पेमेंट कर दीजिएगा। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस ज्यादा देना पड़ेगा। ओ भैया पेमेंट करवा दे यार लेबर जान खाई पड़ी। सर हमारा नाम मिर्जा गालिब है। सर हमारी कंपनी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है और सर अगर आप 5 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको 30% की ग्रोथ मिलेगी। इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा जी सभी सभी ज्ञानी हैं। अरे लड्डू अम्मा जो है सपने में आती तो बहुत हैं। लेकिन बताए नहीं रही है कि गड़ा धन है कहाँ। अपुन्नू अपुन आया था हम गरिया दिए साला डंडा किए था हमने कहा कस्टमर डाल लो अपने नहीं बेचनी जमीन जा। अरे तो कैसे होगा लड्डू। ए जीजा आपको जो है ना खाम खाम में टेंशन लेने की आदत पड़ गई है। कुछ नहीं है बुकिंग के लिए जो है ना थोड़ी कंफर्ट खिलानी पड़ती है किसी को 501 किसी को 1100 एक अशर्फी में पूरी शादी निपट जाएगी। हम देखे हैं सुने हैं बस वो दिन आ जाए अब फिर देखिए चमत्कार। लड्डू सही में वो पुराने वाले सिक्के बहुत कीमती होते हैं। और का ये तो यार मतलब सही है सारे सपने जो हैं पूरे हो जाएंगे। लड्डू बस तुम जो है ना साथ मत छोड़ना यार। कैसी बात कर रहे हो जीजा आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। और जानते हैं बीबी का गुना भाग कर रही है। क्या कर रही है धन में लगा तो क्या क्या करेंगी। तुम्हारी जो दीदी है ना वो बहुत है फास्ट। तब बीबी किसकी है। अच्छा सुनो एक बार और जरा अम्मा को जो है रिक्वेस्ट कर ली जाए कि बाय हुक बाय क्रूक अम्मा जैसे तैसे बता दो भाई। हाँ, लंबा आशीर्वाद लेना लंबा। जल्दी से बता दो अम्मा। मजाक की आदमी है। ए अद्दू गोल्डी किधर है यार। तुम ना अब अपने काम पर ध्यान लगा लो गोल्डी अब कॉलेज नहीं आएगी। क्यों क्या हुआ इसकी शादी फिक्स हो गई है। क्या बात कर रही है तू ने अपनी शादी के बारे में हमको कभी नहीं बताया। हाँ यार बहुत प्यार का भूत सवार था ना दोनों के ऊपर अब बैठकर फटे बांस की तरह रोते रहो। मैं अभी जाकर उसको बोलता हूँ। ए रुको 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 कोई फायदा नहीं है एमएलए के घर पे जा रही है वो आए बड़े मारे अलग जाओगे दोनों के दोनों। क्या बात कर रही है। हाँ गोल्डी बोल। सुन तू कोर्ट पहुंच जा मैं भाग के शादी कर रही हूँ। क्या क्या बोल रहे हो शादी किससे। तू क्वेश्चंस मत पूछ मैं कुणाल और राघव। ओ शिट सुन संकट भारी दीन दयाल विनय संभारी।
जल्दी से अभी की अभी कोर्ट पहुँचो। क्यों? अरे गोल्डी आज शादी कर रही है, हमको लग रहा है कि वो तुमसे शादी करने वाली है। सच में? यार मेरी तो निकल पड़ी। हाँ ठीक है बाय। गाली अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे नाना जी आप ये क्या कर रहे हैं? गोल्डी तुम, बेटी ये जहाँ से आवाज आ रही है मुझे वहाँ पहुँचा दो। हाँ चलिए चलिए, टाइम में जल्दी चलिए। हेलो राघव, कब से तुम्हें फोन कर रहे हैं? अच्छा सुनो, आज गोल्डी घर से भागकर शादी कर रही है, बात कर रही है और कह रही थी कि कोर्ट मैरिज करने वाली है। अच्छा? और हाँ तुम्हारा भी नाम ले रही थी। क्या? सच में? हाँ। अच्छा सुनो एक बात बताओ, क्या तुम्हारा और गोल्डी का कुछ चल रहा था क्या? ये क्यों आ गया साथ में? और मैं कहाँ बैठूंगी? ठहर जा, बात करनी है। बात क्या यार, बात तो करते रहेंगे। समझ नहीं आया गोल्डी, तू चल बैठ ना, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, पहले बैठ। पहले भागते प्लीज। अरे यार भाग जाएंगे, पहले बात तो कर ले, मेरी बात ही नहीं सुन रही है तू। गोल्डी यार हम ये जो कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं। क्यों? तू अब ऐसा क्यों बोल रहा है? यार मैं सरदार हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। अरे तो सरदार लोग शादी करते तो है, मेरी एक फ्रेंड सरदार है, उसने भी शादी करी है। यार मेरे पापा जी ना मुझे मार डालेंगे, वो कहते हैं मेरी शादी ना सिर्फ सरदारों में ही होगी। यार देख, इसलिए तो मैं कह रही ना कि भाग के शादी कर लेते हैं, क्योंकि कोई हमारे प्यार को समझेगा नहीं। सुन, एक बार कोर्ट में शादी हो गई तो फिर कोई हमारा क्या उखाड़ लेगा? मैं ना भागूंगा नहीं, और मेरा इतना बड़ा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है यहाँ पर, पापा जी ना लात मार के बाहर निकाल देंगे मुझे काम से अपने, और मैं वैसे ही मैटरिंग में 3 बार लटका हुआ हूँ, मैं आगे करूंगा क्या? साले कुत्ते, तू पहले नहीं भाग सकता था ये सब? लकी मैं घर पर छोड़ के आई हूँ तेरे चक्कर में। यार लकी देख देख, प्लीज मेरे साथ भाग के शादी कर ले, क्योंकि अगर मेरी शादी तेरे से नहीं हुई ना तो पापा मेरी उस डीयू इंजीनियरिंग वाले से शादी करवा देंगे। यार यार देख गोल्डी, मैंने ना बहुत सोचा इस बारे में, मुझे लगता है जो माँ बाप सोचते हैं ना वही ठीक होता है। यार एक चांस तो लेके देख ही सकते है ना, वो MLA है, वो लोग बड़े नामी है, समझना यार गोल्डी। बट सीरियसली ना मैं तुझसे ना I love you so much। कुत्ते कमीने। रख अपना 20 रुपए का बर्गर और मर जा जाके। एक मिनट गोल्डी का फोन है। हेलो। हाँ गोल्डी। अरे तू जल्दी घर आ जा प्लीज। क्यों? बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। अच्छा सबको लेके आ जाओ। तू बस घर आ जा यार। मेरे को बहुत सब तो सुसु में आया यार। ठीक है आती हूँ आती हूँ। अरे सुनना अब तू गोल्डी है कहाँ? बता तो सही यार। हे भगवान, ये गोल्डी कहीं नहीं मिल रही है। परेशान ना हो दीदी, मिल जाएगी। कहाँ ढूंढे, कहाँ करे, समझ नहीं आ रहा है। चली गई गोल्डी। घबराओ नहीं दीदी, मैं इधर देखती हूँ। अरे अपन नाना को देखे होगा। नहीं पता नहीं कहाँ चले गए, हमका समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढी। दीदी, बंटी, मिली क्या? हे भगवान, मैं ही छत पे जाके देखती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ चली गई? एक तो पापा जी को भी आज ही गुम होना था, क्या करें हम? एक ज्वेलर को 2 लाख रुपए जाने हैं, ज्वेलर को, और वो कार्ड वाला 10,000 रुपए मांग रहा है, कह रहा है पैसे भेजो नहीं तो कार्ड नहीं भेजेंगे। पहले तो मसाला थूक जाके, तमीज से बैठो थोड़ा यार। बोलिए कौन जाएगा बाहर? कैसे होगा, कहाँ से चुकाया जाएगा बिल? एक पैसे का इंतजाम हुआ है, कहीं व्यवस्था हुई है? कुछ नहीं हुई है, पूजा भी कर ली अभी, एक दिला कहीं से आता नजर नहीं आ रहा है। किस्मत पलटने वाली है, कहाँ से पलटी किस्मत बताओ, कहीं से पलटी? हद हो गई अब, हमको बहू भी तो बड़े घर की लानी है। लड्डू हम बता रहे हैं, थोड़ा भी 19-20 हो गया,
तुम ये समझ लो कि पूरे खानदान की जो पप्पू तिवारी की नाक है ना, ये कट जाएगी। एक बात हम देखे हैं, कोई भी बात ना तुम लोगों को बता दे ना तो बात बनती है नहीं। ए जीजा, हरबीन के हमारे पे क्यों आ जाते हो यार? आप समझ में नहीं आया बात तो जो बात सच है वो कह दिया। क्या सच कह दिए? रुको। हाँ हेलो, क्या हो गया? ये गोल्डी और पापा जी सुबह से दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ? हमें नहीं पता, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा फोन रखो, फोन रखो। ठीक है। क्या हुआ क्या? अरे पापा जी और गोल्डी मिल नहीं रहे हैं, जल्दी चलो। अब पता नहीं इनको आने में कितना टाइम लगेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये साला बुड्ढा घर में सबका परेशान करके रखिस है। हाँ, अरे अरे इसकी तो आदत हो गई है हमेशा घर में सबका परेशान करने की। मम्मी जी, हाँ। दिमाग पहले से ही खराब है, जरा शांत रहिए। मम्मी ये तो अंदर से लॉक है। है? गोल्डी कौन है? खटखटाओ जरा। अरे अरे भाई कौन है? बोलो। अरे बोलो भाई। तुम यहाँ बैठी हो और हम लोग पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, सुबह से खाया ना पिया और ये है कि यहाँ छुप के बैठी है। ये घूर क्या रही है तू? हटिए। अरे क्या है? क्या मम्मी मोबाइल भी टूटा पड़ा है, है? अरे क्या है ये सब? आज हमारे बीच उपस्थित सभी सदस्यों के नाम हैं श्री राधे श्याम दीक्षित। अरे जीजा रुको रुको रुको, वो रहे पापा, वो उधर हैं। ये पत्नी पीड़ित, हम इनसे पीड़ित है। अरे ये दादी नहीं आई अब तक मंदिर से? आप फिर रो पड़ी। अरे हम हैं, हम लड्डू अजीजा जी। देखो देखो घर जाने को मत कहना। अरे छोड़ो, मैं जाऊंगा नहीं। कहे? अरे परेशान हो गया हूँ तुम्हारी अम्मा से, अब नहीं झेला जाता। नाना जी नहीं आए? हम तो यहीं रहते हैं। अच्छा, काहे को रोए डाल रही हो? हा? कसम है मरा मुँह देखोगे हमारा। चलो चलो जी, चलो को कसम ना, क्या करो चलिए। बंटी तुम कितने मोटे हो गए हो? देखो मम्मी क्या कह दिया, मोटा। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जीजा? जीजा आराम से यार, देखो क्या कर रहे हो। के साथ मत बैठाला करो, हाथ पे तोड़ डालोगे का। अरे फोन आ रहा है तो फोन उठा क्यों नहीं रहे? अरे कितनी बार कहा है कि हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोलो मंजू। हेलो, मिल गए हैं तुम्हारे पापा, बात करोगे क्या? अरे घर में बात कर लेंगे। क्या बात कर रही हो? देखिए जी, देखिए ना, पता नहीं कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है। चलो उठो फट। मम्मी जी किसको? क्या हो गया गोल्डी? सुन रही हो? क्या हुआ? ये देखो। अरे मामा नमस्ते। आप भी नमस्ते? नमस्ते। हाँ जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो, वहाँ बैठ के बोलो खुश रहो खुश रहो। सड़क पे मिले हैं, भसड़ मचा रखी थी वहाँ पे, अब कहीं ना निकल जाना, बैठो। क्या हुआ? पता है घंटों के बाद बाथरूम में जाके मिली है। देखिए मोबाइल भी तोड़ दिया इन्होंने। दिखाओ। ये कौन सा तरीका है भाई गोल्डी, कहाँ ये सब कर रही हो? किसका मोबाइल, मैं क्यों तोड़ूंगी? ये देखो। रुको रुको, जाने दो ये सब, जाने दो, छोड़ बेटा। पहले ये बताओ कि जब सवेरे हमारे साथ दिया जलाने के लिए मंदिर तक गई थी तो हमने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? अरे भाई कहा था ना कि अब शिवालय मम्मी के साथ चली जाओ, कहा था कि नहीं कहा था? अरे आज सुबह तो हम चित्रकूट से आए हैं 4:30 बजे और तब से मैं सो रही हूँ। वहाँ तो कई दिन पहले गए थे, कुछ गड़बड़ लग रहा है। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ सोने। कमरा उधर देखो, कमरा देखो जरा उधर। अरे हमारे कमरे में जा रही है। अरे हे भगवान, अब तो इसे ये भी याद नहीं रहा इसका कमरा कौन सा है। अरे इतना काहे मरी जा रही हो तुम, समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा शांत हो जाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो अब तुम, अब जरा पेशाब करने जा रहे हैं, आ रहे हैं। दीदी चुप हो जाओ। बहुत बुरा तोड़ा है भाई, ये भी बदलना है स्क्रीन, पैसा बताना कितना लगेगा।
नमस्ते आंटी जी। कौन है भाई? नमस्ते। कौन है? ये कुणाल है हमारे दोस्त और ये राघव। ठीक है ठीक है। कौन, क्या चाहिए? अरे ये गोल्डी की सहेली है। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गोल्डी कहाँ है बेटा? वो एक मिनट एक मिनट, गोल्डी उधर वो सामने वाले कमरे में, वो सामने वाला, वो पर्दे वाला, पर्दे वाला, पर्दे वाला जी। जाओ जाओ दीदी, वो सो के उठेगी तो ठीक हो जाएगी। अरे गोल्डी, प्लान का क्या हुआ? हम कब से तेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। कौन हो तुम लोग? लो कौन हो, अब तुम्हारी ई नौटंकी भी शुरू हो गई। फोन किया था ना तुमने, घर से भागने का प्लान था तेरा। नहीं गोल्डी, आज ना तू बता दे कि हम दोनों में से किससे शादी करेगी। हाँ बता दो, हमसे शादी कर रही हो मम्मी? अरे कौन है? गोल्डी गोल्डी को तो पता नहीं क्या हो। तुम्हें बोलने की जरूरत है? तुम जानती हो? नहीं। निकलो यहाँ से। चलो ऐसे कैसे निकल जाए अंकल? लड्डू डंडा लाओ। ए बंटे डंडा लाओ। अरे अंकल, जीजा ने बोला है डंडा खा के जाओगे। आ गया क्या? अरे जीजा बात तो सुन लो कम से कम। सिर पे नहीं मारना है, बबलू का सिर फोड़ दिया है तुमने। इनकी सांसों पे मारो। बात तो कर। अरे बात तो करने दो यार। अरे 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 ऐसे कोई करता है? नहीं यार, अरे वो गोल्डी हमारी है। अरे हमारे यहाँ महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते हैं। चलिए अरे अंकल से आंटी बना देंगे, समझ गए बात? चलो चलो चलो, एक बार बात। अरे बाहर निकलो, गोल्डी हमारी है समझे? चल अंकल। अबे चल ना। अरे अरे इन्हीं क्या शादी थी हुई गोल्डी की? एमएलए? अबे एमएलए? अबे होंगे एमएलए। हमारा बाप भी कम है क्या? यस देख लेंगे। आजा मम्मी, डॉक्टर को अपनी सारी तकलीफें बता देना, वरना अगली बार फिर फीस भरनी पड़ेगी। आ गया आ गया। डॉक्टर पटेल नमस्कार। नमस्कार। आजा बेटा आजा आजा, बैठ जाओ इधर बैठ। आइए इधर इधर बैठ, बैठिए। अरे सोने भैया, आजकल आप बैठने लगे हैं। अंकल कहाँ हैं? अंकल चुपचाप बैठो बेटा, डॉक्टर साहब हैं। बेइज्जती कर दी। क्या हुआ इन्हें? असल में क्या है कि जब से बाथरूम से बाहर आई है ना, कुछ बहकी बहकी बात कर रही है। अब बेटा, अब तुम्हारा पेट कैसा है? पेट तो ठीक है, पेट को क्या होना था? नहीं तुम आई थी ना दो तीन दिन पहले मेरे पास, दवा लेकर गई थी। हाँ नहीं मैं कब आई थी? डॉक्टर साहब क्या है ना कि कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही है। अम्मा के बारे में पूछ रही थी जो 2 साल पहले ही मर चुकी हैं। अब पहले तो इनके शरीर पे अम्मा आके सपने में तंग करती थी, अब ये अम्मा कर रही है। पहले इनके सपने में अम्मा आती थी, आप खुद अब कभी कभी हो जाता है। हाँ एक काम करिए, अब कल देवी माँ का जागरण है, आप लोग आइए और वहाँ रानी माँ भी आएंगी, चमत्कार होगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब सब कुछ नॉर्मल है? नॉर्मल। देखा बेटा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैं भी तो यही कह रही थी ना। हाँ तो तुम सही कह रही थी ना। अच्छा डॉक्टर साहब, कल वहीं मिलते हैं। अच्छा कल हम तो दुखी हो गए इस घर से, रोज कुछ ना कुछ लगा रहता है। लो ये पकड़ो। हमारी चप्पल कहाँ है भाई? एक तो तुम्हारी ये चप्पल ना मालूम कहाँ नाचा करती है, और हमें क्या पता कहाँ है? खुद खो देते हो, हमसे पूछा करते हो, हम क्या करें? तुम्हें पता है हमारी चप्पल हमें नहीं पहनते हैं, बाकी पूरा घर पहनता है, और खास कर वो चौड़े पैर वाले। सुशील की चौड़ी कर दी चप्पल हमारी, भाई तरफ घुसड़ो दाएं से निकलता है, इतनी चौड़ी चप्पल हो गई है। कहाँ पहने? हर महीने नहीं खरीदे का है वो। ये पड़ी थी, दिखाई नहीं देता इनको, सुर मचा के रखा है, अपनी चप्पल का ध्यान नहीं रखते। ये पड़ी थी बाथरूम में, ले ओ चप्पल गई फाल में। कहाँ है ये? क्या है ये क्या है? हम तुमसे पूछ रहे हैं कहाँ है, तुम हमसे पूछ रहे हो कहाँ है, यहाँ कैसे आया? हमको क्या पता। एक काम करो, तुम इस लायक नहीं हो, तुम चाबी दे दो अलमारी की। अरे मगर ये तो गोल्डी, अगर कुछ नहीं है चाबी दे दो, जब तमीज सीख जाना तब घर की जिम्मेदारी लेना। आई बात समझ में? और सुनो, तुम्हारे दिमाग में कोई कमजोरी है हमको लग रहा है, तुम इलाज करा लो उसी के डॉक्टर से।
और तुम्हारे अंदर ना कोई भूत है, डिफरेंट तरीके का भूत है। ये सब जो है तुम जब ऐसे यहाँ छोड़ दोगी तो गली में छोड़ दोगी कल। चाबी दे दियो हमको तुरंत, बता रहे हैं। अरे इनको देखो सर, पकड़ा घूम रहा। जाओ दे देंगे। आइए पप्पू भैया, मैं देख रहा था ऊपर से जब ये आप लोगों को डांट रही थी। ये लड़की नहीं, अच्छा क्या, चलो चलो आओ, चलो बेटा आ जाओ, चलो चलो घर चलो, इससे पहले कुछ और करो आप। अच्छा देखो अम्मा ही है, अम्मा ही है। सही कह रही है। अब देखो अम्मा जो है गड़े धन के बारे में जिक्र करती रहती थी, लेकिन जब जरूरत है तब देने आई। ए, बात करो ना अम्मा से। अम्मा कैसी हो अम्मा? अरे बढ़ाओ हमरे कान की मशीन, कब आई है? का करियो मशीन लेके? का करियो का मतलब? अरे दीदी आ गई, दीदी आ गई। अरे दीदी क्या हुआ? सुनो सुनो कौनों को बताना नहीं, गड़ा धन मिलने वाला है। अम्मा साक्षात आई है, पूजा सफल हो गई है। क्या पूजा सफल हो गई? अरे जीजा मुबारक हो। क्या हुआ? अम्मा आई है, गड़ा धन मिलने वाला है ना। तुम्हारी बहन है ना, इनके मुंह में बड़ा वाला रेडियो है। मतलब तुमसे मना किया था बताना नहीं किसी को। अरे जीजा जी हम लोग तो घर के लोग हैं ना। और क्या, अब तुम किसी के सामने पोंख ना देना। अरे नहीं रहोगे, कहाँ गई गोल्डी? 100% देखा। हाँ सच है, पूरा परिवार ही पागल है। हेलो दादा, प्रणाम। खुश रहो, को बोल रहा है? हम राकेश बोल रहे हैं। बोलो क्या चाहिए? अरे दादा तबीयत खराब हो गई। हमारी तबीयत को क्या हुआ है? अरे कब से खांसे जा रहे हैं आप? अरे मूर्ख, खांसी नहीं हिच हिच हिचकियां आ रही हैं। अरे बाबूजी तो पानी तो पी लो। अच्छा अच्छा तुम कहते हो तो पी लेता हूँ। अरे बंटी जरा पानी तो ले आना। अब फोन काटो। काटो फोन। गोल्डी को बोल रहा है? दादा पानी पी लिए? अब बंटी लेने गया है, पीता हूँ। तुम फोन तो रखो, और हाँ कोनो खास काम हो तो बताओ। अरे दादा आप ही के हाल चाल के लिए तो फोन करते हैं हम रोज। अरे बेटा एक तुम ही तो हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो, बाकी तो सब। इतना माहौल खराब है यहाँ पर कि क्या बताएं। जानते हो गोल्डी में बहन जी आई हैं, पूरा माहौल खराब हुआ पड़ा हुआ है। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप, किसको बता डाल रहे हैं भाई? वो कोनो राकेश है। राकेश क्या कर रहे हैं? अरे सुन रहे हो तुम लोग, ये पप्पा जो हैं तुम्हारे ये मरवाएंगे, हम सबको बता रहे हैं। अरे अरे काहे पप्पू? चुप रहा करिए थोड़ा। अरे
एक तो वही है जो मेरा इतना ख्याल रखता है। पता नहीं पप्पू को क्या हो गया है, जो फोन पे बात कर रहा था वो ही काट के धरती से। हमको ही कुछ करना पड़ेगा। भाई क्या आप अब भी सोचते हो गोल्डी के बारे में? यार जो चला गया वो चला गया, मैंने जाने वाले को कभी याद नहीं किया। ये लो, अरे संभाल के पकड़ो लो। पीते हैं बाद में पीते हैं। संतरे के छिलके को सड़ा लें और उसमें एक गड़ा नहीं सड़ा हुआ सेब। ए सुनो, ये जो गड़ा हुआ धन मिलेगा इसमें से हमें भी कुछ मिलेगा कि नहीं? जीजा मुझसे बगैर पूछे कुछ करते हैं क्या? मैं तो इसलिए पूछ रही थी कहीं धन मिलते ही हमें भगा ना दे। ये तुम रात में मंत्रा बनना बंद करो, समझ में आई बात? मेरा बोलना तो तुमको हमेशा ही खराब लगता है, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि गड़ा धन आंगन में है। तुमको कैसे मालूम? अरे हम लोग जब गए थे ना तो हमने देखा कि गोल्डी वहीं आंगन में खड़े होकर घूर रही थी, इसका मतलब वहीं है। तुम जल्दी से जल्दी खुदवा डालो। अब खुदवा लें का? 200% जो है गड़ा धन निकले आएगा, है ना? सही है। कह रहे हैं कले चलते हैं, बिजली बहुत कड़क रही है। हाँ। जाएं जरा कपड़ा निकाल के आते। निकाल लियो। रणवीर चौकड़ी बरबर कर, रणवीर चौकड़ी बरबर कर, रणवीर चौकड़ी बरबर कर, रणवीर चौकड़ी बरबर कर। चेतक बन गया निराला था, 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 चेतक बन। नेताजी लखनऊ आए थे का? अरे हम कह रहे थे कि नेताजी लखनऊ आए थे। तो का करें? अरे कह रहे थे बिजली नहीं जाएगी। ले चली गई बिजली। लग गई नजर। रात में बाल मत काटो, रात में बाल मत काटो। चलो क्या कर रही हो, काट की रहती हो? कोई था? अरे उतार लाए कपड़े, कब बारिश हो रही तेज का। अम्मा पेशाब लगी है, टॉर्च कहाँ है? अरे हुआ कहीं पड़ी हुई है। अम्मा दिखी थी? कोई था, मैं देख के आता हूँ। अरे का गिराई दियो हो? मिल गई, मिल गई टार्च। अरे का, चलो उठो आओ, चलो हम देखें। डरने की क्या जरूरत है भाई, आओ चलो, अब आओ चलो। कौन है? कौन कौन है? अरे भेज बदल के कहे आ रही है, कहे तुम कहे ऐसे ऐसे कर रही हो। बुढ़ा देखो देखो बहन जी आई। का कह रहे हो? आओ देखो तो बहन जी, बहन जी खड़ी है।
हमको लेने आई हो अम्मा? हमको अभी से लेने आई हो? हमारी उम्र क्या है बताओ? क्या हो रहा है? हे भगवान, क्या कर रहे हो? बैठ गया है। हाँ। एक काम करो, चेहरा देखो उसका। एक मिनट पहले बस बस अब देखो चेहरा। हाँ तो हम देख लेंगे, बुढ़ा देखा देखो। हटो बंटी हटो, चेहरा देखने दो। हम बहुत मारते हैं पता है तुमको, पप्पू तिवारी नाम है हमारा। हाँ। ये तो दमाद जी है। अरे राकेश जी, राकेश जी क्या कर रहे हो? कौन है? अरे राकेश है, राकेश। अरे राकेश जी को उठाओ, उठाओ भाई, उठाओ उठाओ। चलो चलो, आप आवाज दे देते, हम राकेश हैं, राकेश। आप कुछ बोले नहीं, हम समझे चोर है। यहाँ बैठिए आराम से। अरे सुनो, पानी लेके आओ, पानी पानी पानी। मैं पानी लेकर आती हूँ। पापा। हाँ बेटा। बहुत मारे गए। अरे गलती हो गई, गलती हो गई। अब देखिए आप बिना ऐसे कहे। अच्छा ये बात बताइए, आप कैसे घर के अंदर कैसे टपक पड़े आप? पाइप से चढ़ के। क्या मतलब? का किया है आपने? आप बताइए, आप अगनीमत मनाइए, मोहल्ले वाले नहीं देखे, नहीं तो ढूंढ देते कसके। और पप्पू तिवारी को सब जानते हैं भाई। और क्या, और हम ना बड़े खतरनाक लोग हैं, हमारे यहाँ मारते बहुत है। हाँ, बहुत दिन से आप लोगों से मिले नहीं थे तो हम सोचे कि मिल लेते हैं। अच्छा सर, अरे सरप्राइज दे रहे थे जीजा जी, सरप्राइज। हाँ दामाद जी, आप तो हम लोग को डरा ही दिए थे। ये लीजिए हल्दी वाले दूध पीजिए। ये कौन? फेस पैक लगा है। सुनिए, हम बहुत मारे गए हैं, आप हालचाल भी नहीं पूछेंगे। ये लंगूर कौन है? अरे ऊपर ले जाओ। क्यों भाई? अरे जाओ बेटा, जाओ चलो 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 चलो। लगा लो, ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन किलर है, इंजेक्शन ले लीजिए। तुम हुआ पापा, हम आपसे निवेदन करते हैं। बोलो 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 बोलो। हमको गाड़ी तक छुड़वा दीजिए बस। तो कौन सी बड़ी बात है? छुड़वा देंगे ना, आपका है परेशान, इतना ना परेशान हुई है। छुड़वा देते हैं, छुड़वा देते हैं। मैं छोड़ के आता हूं ना, मैं छोड़ के आता हूं। आराम 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 से, आराम से। हम क्या कह रहे हैं कि आज रुकिए रुकिए रुकिए। हां कुछ बोल रहे हैं दामाद जी। हम लोग क्या कह रहे हैं, मतलब हम क्या कह रहे हैं, निवेदन है, कुछ कन्नी भैया को पता ना चले। हां कुछ पता ना चले। अरे हाथ रखो, हाथ रखो।
ले जाएं, कुछ और बोलना है? नहीं, ले जाएं, ले जाओ, चलो। क्या हुआ अभी तक निकले नहीं? तुम लोग समझ नहीं आ रहा है। मम्मी जी, चलो 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 जल्दी करो। चलो कहाँ है? चलो कहाँ जा रहे हैं? एक ही सब्जी निकाल रहे हैं। अरे चलो ले ले, ले ले रहे। चलो चलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो यार। जरा इसको तो ले ले पहले। लड्डू, तुम मत रुको, तुम चलो यार, तुमसे थोड़ी ना कह रहे हैं। लड्डू सुनो यार, क्या हुआ, क्या बोल कर रहे? अरे फुन्नु जलाल का फोन आया था, क्या करें? तो उठाओ, तुम बात कर लो। आप बात कीजिए, 60 लाख मांगेगा। 60 पक्का? हम सुनेंगे। हाँ फुन्नु। हाँ बेटा। हाँ खुश रहो, खुश रहो, जीते रहो। अच्छा बेटा, काम की बात ये है कि अगर 60 लाख के ऊपर दिलवा सकते हो तो ठीक है, वरना बात यहीं खत्म करो। जाने दो बेटा, क्या करना है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अबे हम 60 लाख की बात कर रहे हैं, तुम 30 लाख पे लटके खड़े हुए हो। आए पागल हो गए हो क्या? आए इनको देखो, अबे होएगा मार्केट रेट, हम खा करें भाई। मार्केट जो है बेटा पप्पू तिवारी के हिसाब चलता है। अब तुम छोड़ो, जान दो यार। आए बेटा बड़े हो गए हो, थोड़ा दिमाग वाली बात कर लियो बेटा। बीवी बच्चे वाले आदमी हो गए हो, लौकी थोड़ी ना सड़ जाएगी। प्रॉपर्टी है, 2 साल बाद जो हाईवे निकल रहा है सामने से, रेट डबल हो जाएगा। बेटा छोड़ो छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है, फोन काटो बेटा, रखो रखो। हाँ चलो। ए बंटी, हाँ सामान लेके आओ भाई। चलो चलो, किधर है बताओ? पागल हो क्या आप लोग सब? अरे बेटा बता दो ना माता, कहाँ है? अरे ये पप्पू कहाँ ले आवा? ए बेटा बहुत कर्ज हो गया है, बता ना किधर रखा है? इधर। अच्छा बहन जी हमें बता दो, मैं ढूंढ लूंगा। अरे दादी बता दो ना आप, कम से कम मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही हो। बदतमीज से बात करते हो दादी, पर छो हटा। अरे कहाँ कहाँ जा रही हो? मैं कह रही हूँ अब नौटंकी ना बंद की ना तुम लोगों ने, तो मैं सच में घर से भाग जाऊंगी। अरे यार मैं जा रही हूँ। दो ना अम्मा का मूड में नहीं तो जाने दो, बाद में बाद में। चलो चलो आराम से चलिए आप, चलिए। सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र चलिया धर्मन्वती वेदिका शिवरा वेदवती महासुर नदी। डरावने सपने आते हैं, कहते हैं तुम्हारा कितना हिसाब है? अरे तुमसे ही पूछ रहे हैं। अरे क्या अपने सब खा लो, आ गए आ गए आ गए आ गए तुम्हारे बयान के चक्कर में। अरे सब लोग, इतने लोग यहाँ बैठे कैसे होगा? थोड़ी देर बाद ही आते तो अच्छा था, आप संभालो। अरे नमस्ते नमस्ते, आज तो सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। एक मिनट जरा पापा घर पे पहुँचा दे। कौन है? अरे सब अपने ही लोग है बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ से आइए जल्दी। ए बंटी लेके जाओ। और सब? अरे बाबूजी चलो आराम से लेके जाओ। और सब बढ़िया? पप्पू भैया ये सब कहा है? कहा है कैटरिंग का आर्डर हम का दिए हो? 4,70,000 का पेमेंट है, 2,000 रुपया एडवांस दिए हो, कहा है? नहीं वो बिटिया का ब्याह कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो? छोड़ो यार, कब हो जाएगा? हमें दुनिया भर का व्यवस्था करनी है और आप फिर वही बाद में आखिर में कहियो। और हमारा पैसा भी नहीं दिए हैं। अरे काम किए हैं, पैसा तो चाहिए ना। लेबर पैसा मांग रहा है, उनका पैसा देना है, पैसा दीजिए हमारा। अरे तुम धीमे बोलो थोड़ा। अका धीमे बोले? अरे पप्पू भैया धीमे बोल रहे, शादी करने जा रहे हो, जब तक 80% एडवांस हमारा ना मिली है यहाँ कनात ना लगी है, सुन लियो कि नहीं। और ये कार रोज रोज के तमाशा लगाए हो आप लोग, 2-4 दिन हो गए हम लोगों का पैसा खातिर दौड़त हुए। अरे हम है ना हम अम्मा भैया, इसीलिए तो हमने इनके यहाँ काम करना बंद कर दिया। बताओ पैसा ही नहीं देते हैं टाइम पर। देंगे भाई, और हमारा देंगे। हमको दियो 1100 रुपए। कैमरा लगेगा, स्क्रीन लगेगा, क्रेन लगेगा, दुनिया भर का झार पंडूस, उसका पैसा कौन देगा? अरे पप्पू भैया एक बात साफ समझ लो, 60% एडवांस चाहिए हमें अभी, आज नगद, तब तो ये ऑर्डर हमारी तरफ से डन, वरना कैंसिल। मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। हाँ, कब मिल जाएगा? अभी लेके जाएंगे। अरे पैसा दे तुरंत। सुनो ना जीजा, मैं देखता हूँ, आप चलो। देखो देखो ये देखो, थक के आए। अब हमारा बात सुन लो, ये घर जो है यहीं रहेगा, अकंधे पे लेके तो जाएंगे नहीं, है ना? यहीं पे सबको सब कुछ दिला देंगे, काहे चिंता कर रहे हो? पानी नहीं तो कब दिलवा दोगे भैया? अभी दौड़त दौड़त हमारी हालत खराब हो गई। पानी पानी दो ही होना यार। चलो लेकिन चलो चलो पैसा दीजिए हमारा, पैसा तो इधर आओ यार। शोर शराबा होंगी बाबा, जैसा कि आप सभी जानते हैं
हम जल्दी तरक्की पाने के चक्कर में या कुछ शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में कुछ ऐसी दिमागी स्कीम्स या उपाय करते हैं जिनका हमारी वास्तविक जिंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे का है? सब ढोंगी लोग हैं। का कह रहे हो? अरे कह रहे हैं कि सब ढोंगी लोग हैं। अरे हम तो कब से कह रहे हैं कि बोल्डी को कोनो अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर हम भी कोनो सुने तब ना। कभी भी अपनी किस्मत का लेखा जोखा ऐसे ढोंगी बाबाओं के हाथ में ना छोड़े। इनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, इनका बहिष्कार करें और समाज की इस गंदगी को बाहर निकाल फेंके। ये देख रहे हैं आप, इनके सर में पीछे के साइड में चोट है, ऐसा लगता है कि ये कहीं पर गिरी है। ये लक्षण शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के हैं। मेमोरी आ जाएगी वापस, बट कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। कभी कभी ये अचानक भी वापस आ जाती है। आप कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? उसके अंदर अम्मा का साया है, महाराज जी तो यही कह रहे थे। क्या बकवास कर रहे हैं आप, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? देखिए मेडिकल रिपोर्ट्स जो कहती हैं वही ठीक है, टेक केयर, नथिंग टू वरी। जीजा आप परेशान ना होइए, आप परेशान होते तो हम भी परेशान हो जाते हैं। देखिए भैया, वो जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पार्टी थी ना, उसे मीटिंग आज ही करा दियो। और सुनो पुनु भैया, आज इतना भी रेट दिलवाना चाहो दिलवाओ, हम तैयार हैं। काहे का बोल रहे? ए पुनु ओए, गाली काहे दे रहे हो? अबे वही आके हम तुमको पटक मारेंगे, गाली काहे के लिए दे रहे हो? बस हम का बिगाड़े तुम्हारे साले? ए का बोल का रहा? तुम चुप रहो, बहुत हो गया है तुम्हारा, हमारे सीने में मूंग दल रहे हो साले तुम लोग। और सुनो एक काम करो, निकलो यहाँ से, बुढ़िया बिस्तर बांधो, नया ठिकाना ढूंढ लो अपना, जाओ यहाँ से निकलो। का बोल रहे, तमीज एकदम भूल गए होगा? हम तमीज भूल रहे हैं? और सुन लो, हम जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। चला कोई बात जो अच्छी होने वाली हो घर में और तुम दोनों को किसी को भी बता देते हो और अच्छी हो जाए तो मानो। मनहूस हो तुम लोग, नजरें खराब हैं सब किस घर में। अरे हम तुमसे मना किए थे कि ये बात किसी को नहीं बताना, कहे थे कि नहीं कहे थे? बता दी, भाई है, प्रेम है ना? मनो तुम लोग सब है, हमें बेवकूफ है बस। हाँ। और कुछ नहीं, हम लोगों को बोल रहे हो, चुप रहो। हाँ। कुछ सब बेच बाज के खा गए। हाँ बेच दिए तुम सबके लिए। अरे हम लोगों की नजर खराब है। अरे तो तुम्हारे तो बुद्धि थी। तुम्हारे बुद्धि है। नहीं कुछ सोच बोल के काम ले लेते। हाँ तो तुम लेते ही। हम लोगों को बोले चले जाओ। अरे भाई बैठे हुए हैं घर में, हाथ में हाथ धरे लफाजी करते रहते हैं, एक पैसा जो कहीं से लेके आ? जमीन की बात करती हो? अरे जमीन बेच के ही तो घर चल रहा है, भरा मायका भरा पड़ा है यहाँ पे। अरे मायके वालों को क्या बोल रहे हो? मायके को ना बोले तो किसको बोले? हमारी अम्मा को गाली देती रहती हो, अम्मा के पैसे से चल रहा है घर, तुम्हारी अम्मा पप्पा सब खा रहे हैं यहाँ बैठे। इस घर में हम ही दोषी हैं, सब अच्छे हो, करना ना धरना, सिर्फ बातें करते रहना, लफाजी करते रहना, बस हम मर जाएं तब चैन मिलेगा तुम सब। पूरे सर पे ना कर्जे का बोझ है हमारे, क्या करें? कोई बताएगा हमको हम क्या करें? अच्छी खासी जमीन बिक रही थी, वो भी हम जो हैं, क्या करें हम? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग हमरा जो है फट रहा। सुनो जी, अब बस तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब
बेटा जाओ, दादी बुला रही। रहने दो, न जाने कैसे होगा। हमें लगता है शायद हम ही लोग गलत हैं। अम्मा जी शायद नहीं चाहती थी कि आप इसे भी बेच दो और खाली हो जाओ। वैसे भी हम लोगों के पास है ही क्या, जो उम्मीद है वो यही एक प्रॉपर्टी है। दरअसल कड़ा धन तो ये कोठी है, अम्मा जी की आखिरी निशानी है। अम्मा जी होती ना हमारी परेशानी देख नहीं पाती। अम्मा हमको माफ कर दो। तुम काहे रो रहे हो? अम्मा जी तो है ना आपके साथ, हम सब के साथ है। सही कहते हैं, पूर्वजों का साया सदैव घर पे बना रहता है। अरे जो उनका साया ना होता तो सब कुछ बिक गया होता है। गढ़ा धन तो हम लोगों के पास है, ये मकान, जमीन और अपना इतना हंसता खेलता परिवार है जी। बस हम ही लोग तलाशते रहे, पहचान नहीं पाए। अच्छा सुनो, देखो देख लेना सब अच्छा होगा। अरे इतना निकल ही आए हैं, अब आगे रास्ता अम्मा जी दिखाएंगी हैं। चलो ऐसा करते हैं, अब सबसे पहले शादी निपटाते हैं। क्यों? अच्छा सुनो, देखो बस इतना देखना कि गोल्डी के कानों तक ये खबर ना पहुंचे है। चलो दीदी जीजा सो रहे हैं ना? हाँ सोने तो सोने। अरे कहाँ है? आओ, कुछ आओ, बताओ तो सही। आओ आओ ना। कहाँ है भाई? दीदी हम सब क्या है? जा रहे कहाँ? पहुँचो। कहाँ जा रहे हैं? सुनिए जी। अरे कहाँ है, बुला रही है? जीजा आए तुम्हारे। अरे चुप करो। सुनिए जी। क्या हो गया? ये क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या होकर रहा है? कौन जा रहा है? ओ तुम बेटा अंदर जाओ कमरे में, घर छोड़कर जा रहे हो। अरे ऐसा ना करो यार, हम ऐसे ही बहुत परेशान हैं यार।
हमारी स्थिति अच्छी नहीं है मेंटली, हम बता रहे हैं, और तुम लोग ऐसा कर रहे हो, हमको छोड़ के जाओगे, अकेले हम यहाँ क्या करेंगे? अरे ठीक है, हमसे गलती हो गई, हमें है एहसास अपनी गलती का, हमको माफ कर दो यार, तुम दोनों माफ कर दो और चलो अंदर, चलो सामान रखो अंदर, चलो चल। अरे सामान रखो यार। जीजा, आपने हमारी आंखें खोल दी, कई साल खा लिया आपके, कई साल खा लिया, हम मारेंगे पकड़ के, बता रहे हैं लड्डू, अभी अपने जीजा को जानते नहीं हो तुम साले, छोड़ के जाने की बात की बता रहे, और बताओ नन्नी से जान, उसको कल स्कूल जाना है, कैसे जाएगा वो, और इतनी रात में उसको तुम इतनी ठंड में बाहर ले जाओगे, क्या फुटपाथ पर सुलाओगे दरिंदे कहेंगे? और सुन लो खबरदार, आज के बाद अगर किसी ने हमको छोड़ के जाने की बात की तो हम बता रहे हैं, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, हमको छोड़ के जा रहे हैं यार लड्डू, अभी हमको यार बहुत काम करना है मिलके, ऐसे कैसे जाओगे यार तुम लोग? हे प्रभु अपनी कृपा बनाए रखो। ये देखिए, क्या कहना है आपका? आइए आइए। अरे रुकिए, प्रेस को बाहर रोकिए, बाबा भाई इनके चली, हाँ बहुत अच्छे से चली, आइए बैठिए, बैठिए सब पर चली। दीवान जी इन सब का सामान और जेवर वगैरह जब्त कराइए और पेशी की तैयारी करिए। हाँ। और सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं आपके लिए, कह रहे हैं कि इनको धोखा आपने दिया है। अच्छा, अरे भाई पूरी दुनिया को पता चल गया है, छोड़िए सब, आप चाय पिलाइए। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, सीधा लगाओ, क्या कर रहे हो? अरे भाई ये लाइट ठीक लगाई लेकिन कद्दू की तरह लटका क्यों दी, भास्कर इसको ऊपर करा। हाँ बस 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 ठीक है, बच्चों अब इधर कोई काम नहीं, तुम लोग का चलो उधर, चलो चलो चलो। हाँ दो मिनट में हो रहा है, दो मिनट सुबह से लगा रहा है, अभी तक दो मिनट नहीं हुए तुम्हारे। बस हो गया सर। अरे पप्पू भैया, अरे भैया हमारा हिसाब कर दो ना, सब लड्डू संभाल रहा है ये, सब लड्डू हम देखिए, हमने थोड़ा जनाती बन गई, आप लोग तो पीछे पड़े रहते हो, चलो रुको भाई अच्छे से बजाओ ना यार, आने वाले हैं लोग, शुरू करो। अरे तेरी मारूंगा चंदर, ठीक से बजा लड्डू। सुनो यहाँ, अरे इसको तब से ये सुनो, इनको ले जाओ कहीं और, ले जाओ, यहाँ कहाँ बैठा है? इस घर में अगर मैं ना हूँ ना तो कोई काम ना हो, आप कहाँ बैठे हो? चलो आराम से करो, डांटो नहीं, आगे चलो, उधर बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। गोल्डी का रूम का है? गोल्डी का यहाँ से राइट। थैंक यू। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। गोल्डी का रूम यही है? जी हाँ। एक सेकंड मुझे। बॉयज आर नॉट अलाउड इनसाइड, ओनली गर्ल्स। अच्छा ठीक है मैं देख कर आती हूँ, तुम लोग वेट करो। बारात आ गई, मैं आती हूँ। तिलक कर दो, तिलक। हेलो गोल्डी। हाँ सुनो जरा ये पिन लगा दो। गोल्डी क्या तुम सच में उस लंगूर से शादी करोगी? तुम हो कौन जो ये सब बोल रही हो? यार ये अच्छा नाटक है तुम्हारा, उस दिन तुम्हारे घर वालों ने ऐसे जबरदस्ती धक्के मार कर हमको घर से बाहर निकाला ना, जैसे यहीं भगा कर ले जा रहे हैं। आइए आइए आइए। अरे 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 कटी बाबू क्या हुआ?
बैठिए। हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं, बोलो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तुमने अपना नाम क्या बताया था? गोल्डी यार, हद हो गई यार। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हमें लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग ना पूरा खराब हो चुका है। तुम ना अब भाड़ में जाओ। सुनो, नहीं एक मिनट सुनो तो। गाड़ी दिखी? गाड़ी नहीं दिख रही है। अरे कुछ नहीं है, बात करनी है। बात ना कन्नी जी, प्रणाम। कन्नी भैया, नाराजगी है कोई तो बता जी, दीजिए। जी, जी, जी। भाई क्या नाराजगी होगी, वहां से हम यहाँ आए हैं, ये हमारे नहीं आपके दुश्मन हैं। आराम से, इनके सामने कुछ रखा नहीं है खाने को। आप कह रहे हैं हम नाराज? एक मिनट, आप वहाँ जाइए। हो जाएगा। एक मिनट, हम आते हैं। रुकिए, लड्डू संभाल। आइए, माफ कीजिएगा। आइए तो बैठिए, माफ कीजिएगा। आप थोड़ा बाहर आइए प्लीज। आप क्या कर रहे हैं ये? आइए कन्नी जी। मुझे आप कहाँ ले जा रहे हैं? अरे बस रुकिए। कन्नी भैया, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, सुनिए। गाड़ी का इंतजाम हो जाएगा, हम कह रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं हुआ? कन्नी भैया, बंदोबस्त हो जाएगा, गाड़ी पहुंच जाएगी घर पे। आप चाहते क्या हैं? देखिए, हम यही चाहते हैं, किसी तरह आप रस्म कर दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, दे देंगे गाड़ी। स्टेज पे नहीं भेजिएगा जब तक गाड़ी नहीं आ जाती। अरे कन्नी जी, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं ना, उसको आने दीजिए बच्चे को स्टेज पे, हम बंदोबस्त करा देंगे। बंदोबस्त? बंदोबस्त नहीं, पूरा चाहिए। और जब तक पूरी रकम और गाड़ी का कैश ना आ जाए, लड़की मत भेजिएगा। कैश? नहीं नहीं कन्नी भैया, ये गलत बात है। देखिए, गलत नहीं, कन्नी भैया, क्या करूं, हम कहां से लाएंगे? आप क्या चाहते हैं? मैं बारात वापस ले जाऊं? अगर आप ये चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे। अरे नहीं कन्नी भैया, हम आपके पैर पड़, अरे पैर पड़ने से। हम सुनिए, हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम अभी कर देंगे, इंतजाम हो जाएगा, बस हो जाएगा, हम कह रहे हैं। 5 मिनट का समय दिया है। कहां से कर दोगे, क्या है? क्या हुआ? अरे कहां चले जा रहे? अरे लड्डू, नहीं नहीं, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, क्या हुआ, काहे ले आई हो? पता नहीं क्यों हमारा जी बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ? अरे कोई कुछ सुना रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें लगता है कि देखो, एक तो बेचारी हमारी गोल्डी, तो उसकी याददाश्त चली गई है, ऊपर से इन लोगों की तरह तरह की मांगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे। तुम गोल्डी का ध्यान रखो, जाओ, तुम गोल्डी के पास जाओ, हम ध्यान रखेंगे, तुम जाओ जाओ जाओ। हे भगवान, रक्षा करना प्रभु। चल चल चल। सुनो, कुछ बात करनी है मुझे। क्या? बताती हूँ। अरे आप यहाँ बैठे, हम कब से ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं। सुनो, 4-5 लिफाफे दो, देरी हो रही जमाल के लिए, टीका करना है सबका। लड्डू से ले लो। लड्डू के पास नहीं है, तभी तो तुम्हारे पास आए हैं। लो जल्दी निकालो। अरे वो क्या बात है, तबीयत नहीं ठीक है का? नहीं ठीक है, वो सब उधार उधार सब परेशानी है कुछ। अरे परेशान ना, लो सुनो, ये बस आखिरी है, इसी में सब निपटाओ, कुछ है नहीं अब। हाँ। खत्म। ठीक है, ये क्या है? ना कुछ नहीं। अरे क्या है बताओ तो सही। अरे जाओ तुम जाओ, हम आ रहे हैं। अच्छा, हम चल रहे हैं, तुम आओ है? आ रहे हैं। ठीक है, तबीयत का ध्यान रखो। हम आ रहे हैं, चलो। हाँ। माफ कर दो अम्मा।
बोला था ना आपसे। जमाई जी ये लीजिए। कनी भैया, कनी भैया, ये रख लीजिए। अरे शुरू कीजिए रस्म। शर्मा जी शादी के इंतजाम में माफ कीजिएगा, कुछ मजा नहीं आ रहा। क्या बोलें, हम तो खाना खाने गए थे, खाना समझ लीजिए इतना ठंडा रखा था कि खाना खाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, मैं तो खाना छोड़ ही आया। खाना छोड़िए, कोई पूछने वाला खड़ा है यहाँ पे? इतनी बेइज्जती हम लोगों की आज तक कभी ना हुई ऐसी बेइज्जती। 3,000 की साड़ियाँ दी थी कम से कम। अब लगता है इन लोगों का हमें ना क्लास लेना ही पड़ेगा। बताया नहीं था कि हम लोग खानदानी लोग हैं? अरे रुकिए, अभी हम इनके पापा से कहते हैं। समझाइए पप्पू तिवारी को, गाड़ी देने की बात की थी इन्होंने, अब इनसे पापा ही निपटेंगे। कनी भैया ये रख लीजिए। सब क्या हो रहा है? हमने नहीं किया है। क्या ये? पता कौन किया है? भैंस जी, इसे बंद कराओ। कौन चला रहा है? रुक, ये सब क्या चला रहे हो? अरे ये किसने किया है? अरे कौन है ये? अरे ये सब बंद कराओ। हैं? बोल्डी, बोल्डी बेटा, सुनो। पापा! अरे बेटा, क्या कर रहे हो बेटा? चुप हो जाओ। अरे बेटा मेरी बात, मामा बीच में मत बोलो। सुनो तो, बोलो क्या? सुनो। अब महेश पीछे देखो। अरे पप्पू तिवारी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? अरे हटो। अरे सब कहाँ चले जा रहे हो? अरे आप लोग पीछे जाइए, पीछे रहिए। कुछ मत बोलना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक मिनट रुक, कहाँ जा रही? रुको, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। एक मिनट बात कर रहा हूँ। ये क्या कह रही है तुम्हारी लड़की? हमारा कोई दोष नहीं है। अरे कितना बेइज्जती करवाओगे? हटो, कुछ नहीं भाई। एक मिनट, एक भाई ये कह, हट, हटा उसको। एक मिनट शांत हो जाओ। यहाँ बैठो, बैठ गए? फोन मिलाओ पुलिस को। हाँ मिला रहे, मिला रहे। 100 100 पुलिस स्टेशन। आइए पप्पू तिवारी। अरे आप समझाइए इसको। समझा रहे, कैसे समझा रहे हैं? अरे हम तो हमारी नाक कट रही है। आज में नाक कट रही है हमारी, काहे नहीं समझ रही हो तुम बिटिया? जो मेरे साथ आप लोग कर रहे हो ना, ये मुझे जीते जी मारने के बराबर है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। करती मैं शादी? अरे नहीं करूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं मंडप पे, जो करना कर लो। अरे ये क्या कर रही हो बेटिया? हम सच्ची बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। हम पुलिस आ गई। सबको जेल भिजवाऊंगी, सबको। अरे बुलाया किसने इनको? हमने कुछ पप्पू तिवारी नहीं, ये तुमने सही नहीं किया। हमने नहीं बुलाया, तुमने ये सब करके मुझे फंसाने की कोशिश की। अरे हमने कोई फंसाने की कोशिश नहीं की है, काहे के लिए नहीं समझ रहे हैं आप? आप लोग रुकिए ठहरिए, हम संभालते हैं। अरे सर आइए, भाग। क्या चल रहा है यहाँ पर? पप्पू तिवारी हमारी बेटी की शादी है। नहीं क्या यहाँ चल क्या रहा? शादी हो रही है। शादी हो रही है, यहाँ दहेज कौन मांग रहा है? बोल रहा था झूठ है। क्या झूठ है? क्या झूठ है इंस्पेक्टर अंकल? ये लोग, ये भिखारी हमसे दहेज मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? ये लोग सब। अरे इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। कन्नी आप कैसे यहाँ पर? अरे दुर्भाग्य है फंस गए हैं। मैं कह रहा था पप्पू तिवारी को कि, लेकिन आप यहाँ
किसी का फोन गया था किसी बुड्ढे का यहाँ से। पप्पू तिवारी, किस बुड्ढे का फोन गया इस घर से? गिरफ्तारी करो ना, गिरफ्तारी। अरे कर रहे हैं गिरफ्तारी, रुको एक मिनट, जरा बात तो करन दो। रुको एक मिनट। हाँ भाई जी। ये शादी का मामला है। किसका लड़का? आपका है? हाँ जी जी। तो अरे भाई शादी निपटाइए, आप समझ नहीं रहे, धारा 144 लगी है भाई, आप इसको शोर न मचवाइए। हाँ, धारा 144 लगी है, चलिए शादी निपटाइए। अच्छा आप भी मिले हुए? क्या बेटा क्या बात कर रही हो, शादी का माहौल है। नहीं जाऊंगी गोल्डी। अबे मार मार के सबूतला बना दूंगी मैं। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी गोल्डी। अबे तेरे को मार मार के सबूतला बना दूंगी। संभाल संभाल के रे, आप चुप रहिए। रुकिए, मामला उच्च अधिकारियों तक न पहुँचे, इस मामले को ऐसे ही निपटाइए, समझ गए? और उच्च अधिकारियों को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। पप्पू तिवारी जी, लगता है आपको शादी करवानी नहीं है। ये समझा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे कि आपको समझाएं, कि आप समझिए कि ठीक नहीं हो रहा है। तो आप पूछिए ना बेटी से क्या है नहीं है। अरे मत करो ऐसा बेटा, वो तुम्हारे होने वाले पति हैं। नहीं, कोई पति पति नहीं है वो मेरा। डा इज्जत पूरी दांव पर लगी है, समझने की कोशिश करो बेटा। हमारे अरे मीडिया आ गया, मीडिया आ गया जो भाई। अब तो गजब हो गया, मीडिया आ गया। लीजिए अब मीडिया भी आ गई, अब हमारे बाप भी ना बचा पाएंगे। सब फाइलें तो आपकी खुल जाएंगी यहाँ पर। इसको तुरंत निपटाइए, निपटाइए तुरंत, गंभीरता समझिए मामले की। अरे पप्पू तिवारी जी, जाइए जाइए, बात करिए उधर। एक मिनट पप्पू तिवारी जी। हाँ आप आइए, एक मिनट, दिख नहीं रहा आपको? एक मिनट रुकिए, आप लोग रुक जाइए बेटा, अभी सब सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ जाओ 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 जाओ, कर लो बात। तुम कहाँ जा रही हो आगे आगे? ये आप समझिए, खतरा है, और जितना कुछ भी हुआ है ना वो सब आप ले लीजिए, वो मैं सब आपको दे रहा हूँ। देखिए खतरा दोनों तरफ है, मगर रही जो खर्चा हुआ है का कौन दे? क्या पप्पू जी, सब खर्चा देंगे, ये सब जितना खर्चा आप किए हैं ना। अच्छा। ये सब खर्चा हम देंगे। जो जो कैश हम आपको पहले दे चुके हैं उसका क्या हुई? अरे सब ले लीजिए, उससे ज्यादा ले लीजिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मीडिया को आप हटाइए, ये आपके लिए भी खतरनाक है, आप समझिए बात को। अंकल बेटा ये सारा कुछ जो है, पैसा देने को तैयार है, पूरा खर्चा उठाने को तैयार है, क्या किया जाए बोलो। देखो बात कर लिए हैं, चिंता मत करो। पिछाड़े में लात मारी है इनके। जाओ जाओ, हमको पता चला है आपसे यहाँ पे दहेज की मांग की गई है। जी हाँ, कन्नी भैया और उनके परिवार ने हमसे 10 लाख मांगा है दहेज में। हाँ। और मेरे माता पिता और मेरे परिवार को सताया जा रहा है, और हमने दहेज देने से मना किया तो हमें मारने की धमकी दी गई। क्या करनी है, एमएलए ने आपसे दहेज की मांग की है? क्या आपको लगता है कि इतने बड़े लोगों के खिलाफ आप एक्शन ले पाएंगी? पापा डरिए मत, अब की बारी पप्पू तिवारी। दहेज विरोधी खेल देखिए, अब हम आपके सामने सब सच सच कहेंगे, और ये भी सच है कि हम दहेज देना चाह रहे थे। क्या है कि हम लोगों की बेटी के जो बाप जितने होते हैं उनकी मजबूरी होती है, दहेज देंगे नहीं तो शादी करते नहीं है। तो इसलिए जब हमने कन्नी भैया के बेटे से अपनी बेटी की शादी की बात तय की, तब इन लोगों ने साफ साफ जाहिर कर दिया कि हम जो हैं हम दहेज विरोधी हैं। हाँ। लेकिन जैसे जैसे डेट नजदीक आती चली गई शादी की, तो फिर डिमांड बढ़ाते चले गए। हाँ, बढ़ाते हाँ। चले गए, तो कभी कह रहे हैं 20 लाख दो, तो कभी कह रहे हैं 80 लाख दो। सोना 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 और सोना। हाँ। सोना कितना मांगा होगा सोचिए? कितना? 20 तोला सोना मांग रहे हैं। 20 तोला सोना और क्या मतलब, कोई मुंह है तो क्या बोला ही जाएगा उससे? कभी कहते हैं बड़ी वाली गाड़ी दे दे। अरे कहाँ कुछ मांगा है भाई, और भी बातें सुनिए आप लोग, और कुछ तिवारी तुमने अच्छा नहीं किया है। राइफल लो इसकी। अच्छा नहीं है सर, क्या आपने सच में इतनी मांग की थी? हाँ इसकी राइफल। सब गलत है, इसके बारे में आपका क्या कह रहे हैं? सब गलत है, बैठाइए गाड़ी में, गाइए सबको गाड़ी के अंदर करिए। मौका अच्छा है, है तो सही, हम दहेज विरोधी नेता बन सकते हैं, क्या कहती हो? खेल दो
और हम आपके पिए। बड़ा बोलते हो मामा। अरे तू हर वक्त समझे, बोल चुके हैं ज्यादा ज्ञान पाने ना बनो, इस देश में सभी ज्ञानी हैं, मौका देख चौका मारते हैं यहाँ। समाज में दहेज लेने की प्रक्रिया को हम सभी युवाओं को आगे आकर के मना करना चाहिए। कानपुर की बहादुर बेटी गोल्डी तिवारी ने जो हिम्मत दिखाई है उससे हम सभी युवाओं को प्रेरणा मिलती है। हाउ डिड यू ओवरकम योर फियर एंड स्टूड अप अगेंस्ट दिस इनजस्टिस? मुझे कदम उठाना पड़ा क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी दैट बिकॉज ऑफ मी मेरे माँ बाप को तकलीफ हो। कमाल कर दिया गोल्डी ने। शी इज सच एन इंस्पिरेशन टू द होल विमेन जेंडर। गोल्डी गोल्डी या शी इज ब्रिलियंट। इधर बिटिया बन गई यूथ आइकॉन और उधर चीजा बन गए दहेज विरोधी नेता। दहेज विरोधी आइकन पप्पू तिवारी ने वार्ड नंबर 43 से पार्षद पद के लिए भारी बहुमत से जीत हासिल की। पप्पू भैया। पप्पू भैया? हाँ। महाराज जय हो। और उधर हमारे कन्नी एमएलए का क्या हुआ ये तो सुन लीजिए। दुखी ना हो बेटा, कोई बात नहीं। आप तो एमएलए थे मनोहर लाल अग्निहोत्री। नहीं, आप तो एमएलए थे मनोहर लाल अग्निहोत्री। नहीं, आप तो एमएलए थे मनोहर लाल अग्निहोत्री। आप पूजा कराइए ना। ओम गजानन। अरे बाबा चिपकली। अरे छिपकली है कोई मगरमच्छ है तो तुम डर रहे हो? आप हटा दो ना। देखते हैं चलो। ये बहुत डरता है। डर रहा है? किधर है? इधर इधर। मामा को बुलाओ। अरे मामा लड्डू मामा। तो, आज नहीं छोड़ेंगे साले। हाँ, परेशान करके रखे हैं। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमारा भी बैठना मुश्किल किया है इसने। ऊपर डालिए, वहाँ डालिए, वहाँ ऊपर। आराम से, भारी है भाई। डंडा मांगे थे ये का? मिट्टी का तेल। माचिस भी है जीजा। बेवकूफ हो, पूरे मोहल्ले को उड़ाओगे क्या? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है चिपकली? अरे सारे के सारे डरपोक बैठे। हट हट हट, चल कहाँ चिपकली? इधर है। किधर? हट हट हट। तो आगे जाके दिखा ना। इधर इधर गए। कहीं नहीं दिख रही है। डरता मम्मी। तुम तोड़े लियो अपने ऊपर, पुश कर दे। बहुत बड़े वाले सब रंपट करते फिरते रंगबाजी, करते फिरते रंगबाजी। सारे के सारे खुरपेची, गली गली भोकाली। लफवाजी में नंबर वन सब चाहे जे वो खाली। मुंह में इनके शोभा पाते पान पीक और गाली। बात बात में ज्ञान पढ़ावे, बिना बात कंटाप बजावे। इनकी महिमा कोई न जाने। भयंकर बसड़िए नगरिया, ये अद्भुत अनोखी नगरिया। भयंकर बसड़िए नगरिया, ये अद्भुत अनोखी नगरिया। कबीरा सुन हमारी और यहाँ सभी सभी ज्ञानी हैं।